क्या भोजपुरी सिनेमा के सितारों को पसंद हैं अखिलेश यादव? जी हाँ, हाल ही में दिनेश लाल उर्फ निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बने हैं, अच्छा काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। वो सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि महाराज जी की सरकार गरीबों की सरकार है। आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गई है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ऐसे में इस बार का ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प माना जा रहा है, जिसको देखते हुए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नामांकन के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता व बीजेपी के संभावित प्रत्याशी दिनेश लाल यादव मंगलवार को आजमगढ़ जनपद पहुंचे और जनता और नेताओं का मन टटोलने में लग गए। हालांकि हार के बाद निरहुआ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। इस क्रम में बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक बीजेपी ने टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन वो ये समझने आए हैं कि आजमगढ़ के लोग क्या चाहते हैं। लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर विरोध में रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों के पिछड़ने का एक बड़ा कारण है, यहाँ के लोग सरकार के साथ नहीं चलते।